ये जी है अम्मी जान का घर। हैं जी हमारी अम्मी जान के घर की यादें, और अब ये घर हमारा नहीं रहा। ये है अम्मी जान का छोटा सा किचन, और ये बर्तन धोने की जगह, या अम्मी जान बैठ के ही, यहाँ चूल्हा नीचे रखा हुआ था इस जगह पे, खींच लेना उसे अंदर कर देना और यहाँ ही मुड़कर पीछे बर्तन धो लेना। ये छोटा सा किचन, और ये है हमारा सेहन। ये वो सेहन है जिसमें हमारा सारा बचपन गुजरा। पहले यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती थी, ये वाली यहाँ चारपाई डाली होती थी, इस जगह पे चारपाई कोने में डाल लेते थे। कमरा ऊपर बनाया गया जब शादी हुई आजरे की, उसके बाद ये कमरा था हमारे घर का, और यहाँ पर भी हमारा सारा बचपन गुजरा। हमारा सारा टाइम स्पेंड हुआ शादी से पहले का। और ये है दुकान जहाँ अब्बी जान डॉक्टर थे, तो यहाँ एक अलमारी होती थी, वहाँ भी एक अलमारी होती थी जिसे उतार दिया गया। और ये है बाहर सड़क का दरवाज़ा, ये सड़क का दरवाज़ा है, और यहाँ पर अब्बी जान की कुर्सी होती थी इस दरवाजे के पीछे, और यहाँ पर होता था मेज़, यहाँ भी एक बेंच होता था इस जगह पे भी, और इस जगह पे भी एक बेंच होता था। कुछ था अभी कुछ है नहीं, बाकी अभी कुछ बाकी नहीं। हमारे घर की यादें, जैसा भी था वो सुकून था इस घर में। ये जो एक दरवाजा है इसके साथ बड़ी याद है, यहाँ मैं छुपके खड़ी हो जाती थी ऐसे, पीछे चले जाना जैसे अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ खड़ी हो जाती थी ऐसे, और अब्बी जान बुलाती थी, ओ किरण हिसाब स्लेट स्लेटी लेके आ जा, और यहाँ मैं छुप जाती थी छोटी सी इस दरवाजे के पीछे। ये दादी अम्मी के ज़माने का ताला है। ये कमरे जो उनसे हैं दोनों, ये बाद में बनाए गए थे मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले। ये सारा ऊपर वाला, यहाँ पहले किचन था इस साइड पे, और उस साइड पर कमरा था, और ये स्टोर है, और इसमें भी ये नया बनाया था कमरा मेरी शादी जब हुई तब। और यहाँ पर अम्मी की चारपाई, ये अम्मी की आसानी के लिए, साथ ही वाशरूम, सीट वाला वाशरूम बनाया गया। और यहाँ शायद मैं आखिरी बार आ रही हूँ अभी। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम, हर दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। अदरान ने ये अभी ला के दिया ताला, ये वही जो भी मैंने दिखाया था हमारे दादी अम्मी के ज़माने का, ये ताला एक याद साथ रह जाएगी। ये जो सा है ना, यहाँ पे हमारा एंटीना होता था इस जगह पे, ये सारे हुक्स एंटीने के, और बहुत बड़ा एंटीना लगाया आता था। इन ये शेड्स थे, इन शेडों पे चढ़ के हमने बहुत शौक शौक में सफाइयाँ की हुई, शेड पे चढ़ जाना शेडों की सफाइयाँ। हो ही जाते इतनी देर।
अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर और आप सब पर अपनी रहमत भी नज़ूल फरमाया। अभी मैं जिस घर में हूँ वो हमारा प्यारा घर था, वो हमारा घर था जहाँ हमारा सारा बचपन, हमारी सारी जिंदगी गुजरी है, हमारी माँ के साथ, हमारे अब्बी जान के साथ। क्योंकि मेरा टाइम अपने अब्बी जान के साथ कम गुजरा और अम्मी जान के साथ ज़्यादा, तो माँ की जो कमी है वो तो जाती नहीं है। प्यारा घर है जो हमारा नहीं है अब। आज इस घर की कुछ यादें जो है वो आपके साथ और अपने लिए भी हमेशा के लिए, इनको वैसे तो दिल में से कभी जाती नहीं है लेकिन हमेशा के लिए इसको मैं अपने पास सेव कर लूँगी। यहाँ पर पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी और ये वाला कमरा ऐसे ही था जहाँ पर ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हमारा इस कमरे में। अच्छा बुरा तो सभी जगह चलता है लेकिन उजड़ गया सब कुछ, ख़त्म हो गया, माँ के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से ये आसमान, हमारे घर का आसमान। तकलीफ तो जाती नहीं है, हमने भी नहीं रहना है, चीज़ें भी नहीं रहती हैं, चीज़ें रह जाती हैं, इंसान ख़त्म हो जाते हैं। ये जितना गंदा नज़र आ रहा है ये कभी इतना गंदा रहा नहीं था। ये जगह जो है यहाँ छोटी चारपाई पर अम्मी जान बैठती नहीं और यहाँ पेड़ी पर मेरी माँ खाना बनाती थी यहाँ पर बैठकर, और मैं यहाँ बैठ जाती थी इस जगह पर। यहाँ पर ऐसे बैठ जाती थी दरवाजे में, यहाँ अम्मी जान होती थी, उधर पीछे अम्मी जान बैठती थी खाना बना रही होती थी। और बस क्या कहूँ, बहुत तकलीफ है। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। मैंने इस जगह पे ना, जहाँ यहाँ कुर्सी पड़ी हुई है, इस जगह पर अम्मी की चारपाई बिछती थी। ज़्यादा यही होता था कि बस जल्दी जल्दी से अम्मी के पास आना है, जब तो अम्मी जान के काम करने हैं हमने, जान ने आवाज़ देनी। उधर मैंने सोया ना उस कमरे में साथ वाला जो था, किरण उठ जाओ नाश्ता कर ले, आ जा किन्नो। पता नहीं क्या इस घर में आप शायद कभी दोबारा ना आए हम, क्योंकि अभी हमारा नहीं है ये हमारी याद था। अम्मी जान को सेंध साफ करके तो मैं जल्दी से मशीन रख दूं, तो फटोफट अम्मी को साथ साथ कपड़े इस्त्री करके देती थी, तो अम्मी काट के तो सी देती होती थी। अब तो अम्मी में वो नहीं रही थी इतनी हिम्मत कपड़े भी सीने की। इधर भी बिछा देती होती थी चारपाई, सीढ़ी के नीचे भी, इधर मेज़ भी रख देना, इधर ही कपड़े भी सीने बैठकर। तो
अब तो काफी सारे कपड़े जमा हो गए थे मेरे पास। हमारी माँ इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ थी, एक पर्दादार खातून, एक बहुत अच्छी औरत, हर रिश्ते के लिए। हाँ, कोई रिश्ता समझे या ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी माँ ने हर रिश्ते को उसका मकाम दिया और इज्जत भी दी। कोई रिश्ता आगे से नहीं देता है या देता है, वो उसकी मर्जी। हर आने वाले की खिदमत अम्मी जान ने की, और हमारी टीनेजिंग में, हमारे बचपन में हमारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आकर रहे। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा खिदमत की। हमारे नान के रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आके रहते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे कई कज़न्स सालों साल आके रहे फैसलाबाद में, और उन्होंने यहाँ जॉब्स की, और मेरी अम्मी जान ने, मेरी बहन ने, और हम सभी ने कपड़े भी धोए उन लोगों के, और मेरी माँ ने उन्हें खाने भी पका कर दिए। तो लेकिन लोग कदर नहीं करते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि लोग कदर नहीं करते हैं। उजाड़ हो गया अम्मी जान की डेथ के बाद ये घर इस तरह उजड़ा कि दोबारा संभल नहीं सका। हकीकत में उजड़ गया, बिल्कुल ही उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। हमारे हाथों में भी कुछ नहीं बचा, हमारी माँ गई, सब कुछ खत्म हो गया। अदनान को अम्मी ने आवाज़ें देनी, उठ जाओ नाश्ता कर लो अदनान। हम लोगों ने आना ना, अम्मी ने आवाज़ें देनी, अदनान उठ जाओ नाश्ता कर लो, आ जाओ नाश्ता करें। यहाँ किचन में से बैठे आवाज़ें इसी जगह पर, यहीं से बैठ कर अम्मी ने आवाज़ें देनी है। मैं आए, कोई आवाज़ें देने के लिए नहीं बचा। मेरे प्यारे घर की ठंडी हवा इस सहन में, वहाँ अम्मी जान की चारपाई, यहाँ मेरी चारपाई, जो मैंने माँ के साथ अपने के साथ टाइम स्पेंड किया, उधर अम्मी जान ने उस चारपाई पे होना, और मैंने इधर अम्मी ने परे मुँह करके सोना। मैंने कहना अम्मी जान मेरी तरफ मुँह करके सोए, अम्मी जान मेरी तरफ मुँह करके सोए, डर लगता है मुझे बहुत। इन सीढ़ियों पे हाथ रख रख के अम्मी ने चढ़ी हैं, बहुत मुश्किल टाइम गुजारा अम्मी जान ने। ये दरवाजे लगवाए गए थे, अब वॉशरूम के भी चेंज करवाए थे दरवाजे, और ये स्पेशल जो जाली वाले दरवाजे हैं ये अम्मी जान के लिए लगे थे, और उन्होंने इनके साथ मेरे ख्याल में एक माह भी नहीं गुजारा, क्योंकि अम्मी हार्ट पेशेंट थी तो वो हवा में बैठना पसंद करती थी। यहाँ ही चारपाई होती थी अम्मी की, इस दरवाज़े के साथ ही आगे, और ये कवर क्रॉस होता था हवा का, इस दरवाज़े से और इस दरवाज़े से, तो वो यहाँ पसंद करती थी, पंखे की हवा को इतना पसंद नहीं करती थी। तो ये स्पेशल दरवाजे एसन वीरे ने लगवाए थे अम्मी जान के लिए, लेकिन उन्हें ये यूज़ करने भी नसीब नहीं हुए। दूसरे कमरे का भी बाहर का गली का दरवाज़ा लगवाया गया जाली का, अम्मी जान के लिए ख़ास तौर पर, कि अम्मी जान की यहाँ चारपाई होती थी तो ये यहाँ से यहाँ क्रॉस में हवा हो, और उनको कुछ ना हो, उनका दिल ना घबराए। और अब तो घर भी बनाना था ऐसे नहीं रहे, और अम्मी कह रही थी मेरा घर खुलने वाला। मैंने कहा अम्मी जान ईद पे आई ना, मैंने कहा अम्मी जान रह जाए, अब आप आएंगे मेरे पास, आपने रहना है। तो अम्मी जान कहती नहीं, मेरा तो घर खुलने वाला है, मैं तो भी जाना है, मेरा तो घर खुलने वाला है। यहाँ अम्मी जान ने कहना, मैंने खिड़कियाँ बंद करनी, दोपहर को लू आती थी तो इनको मैंने बंद करना ना, इसके पहले यही अकेली जाली थी, वो पीछे अब नई जालियाँ लगी थी, तो मैंने बंद कर देना ना। अम्मी ने खोलना खिड़कियों को, कहना नहीं मेरा दिल घबराता है, हवा आने दो, इन्हें खुला रहने दो, खुला रहने दो इनको, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। हमारे से कितने पहले इंसान आए और चले गए, और कितने आएंगे और चले जाएंगे। अम्मी जान कहती होती थी सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा।
अम्मी जान का कुछ, इसमें अम्मी जान ने बहुत ज़्यादा मक्खन निकाला हुआ है, इसको बहुत यूज़ किया हुआ है। इस कुछ के अंदर इमली आलू बुखारे का शरबत भी बनाया गया और मक्खन भी निकाला गया इसमें। चलें जी, आखिरी बार खुदा हाफिज़ कहते हैं। ओ अम्मी जान का पड़ा हुआ है कुंडा, अम्मी जान उसके अंदर बनाती थी। ब्लैक क्यों हो गया? ये कुंडा है जिसमें अम्मी जान बनाती थी सरदाई घोटा, शेड के ऊपर पड़ा हुआ। चले चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इस घर को हमेशा के लिए। अब तो ये हमारा ही नहीं रहा और ना ही इसमें, बस यादें थी हमारी वो भी अब इस घर के साथ। इस घर की यादें दफन हो जाएंगी, दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी।